ये हमारी सीरीज है जिसके लिए नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स हमारे गिवन है, जिनके लिए हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, मैक्स ही ठीक। तो मैक्स ही सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ही ट्री होती है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम उसको हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं एक्सेप्ट लास्ट लेवल, उसके सारे लेवल कंप्लीट होते हैं, इसलिए इस ट्री को हम कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हमें, मैं आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री ड्रॉ करके दिखाऊंगी, देन हम उसके बाद इन नंबर्स के लिए हीप डिजाइन करेंगे। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 10 है, तो हमारा फर्स्ट नोड यहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ नेक्स्ट इज फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और ये 10. तो ये 10 टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हमारे 10 हैं उनके लिए मैंने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे मेरे पास 11th नंबर एलिमेंट आ जाता है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, यहाँ पे हमारा क्या है 11 नंबर आ जाता तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगी। तो अभी मैं बात कर रही हूँ 10 नोड्स के लिए मैंने जो ट्री डिजाइन की है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फुल बाइनरी ट्री होगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, फुल बाइनरी ट्री हो सकती है, पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर नोड के या तो जीरो चिल्ड्रन होंगे या फिर टू चिल्ड्रन होंगे, तो ये फुल बाइनरी ट्री हो जाएगी। यहाँ से जब मैं इस 11 को रिमूव कर दूंगी तब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, ठीक है। तो इसमें जो भी नंबर ऑफ आपके नोड्स दिए रहेंगे वो ऐसे दिए रहेंगे कि आपका जो लास्ट नोड होगा या तो वो लेफ्ट होगा, अगर ये मैं इस 10 को रिमूव कर दूंगी तो ये तो भी ये क्या होगी, फुल बाइनरी ट्री, और इस 9 को रिमूव कर दिया तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। तो हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब मैं इन ट्रीज के लिए, और हमने जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट किए वो कैसे किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से लेफ्ट टू राइट हम फिल कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट एलिमेंट्स को हम फिल करते हैं, ठीक है, या इंसर्ट करते हैं, क्लियर। अब मैं जो डेटा हमारे एलिमेंट्स गिवन है इनके लिए बना रही हूँ इन ट्री को। सबसे पहले इन फर्स्ट स्टेप वी कैन इंसर्ट अवर फर्स्ट एलिमेंट, एंड आवर फर्स्ट एलिमेंट इज 35, तो हमने 35 को इंसर्ट कर दिया, ये हमारा 35 इंसर्ट हो गया है, क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें 33 इंसर्ट करना है, तो मैंने सेकेंड स्टेप में नाउ वी कैन इंसर्ट 33, तो 33 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द 35, क्यों आएगा, क्योंकि हम इस ट्री को लेफ्ट टू राइट फिल कर दें, तो 33। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 35 इज ग्रेटर देन है, मैक्स ही क्रिएट कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, मैंने 33 डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया। अब इन नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में हमें किसको, 35 में इंसर्ट कर चुकी हूँ, 33 में इंसर्ट कर चुकी हूँ, अब हमें किसको इंसर्ट करना है, 42 को। तो एज इट इज हम अपनी जितनी ट्री हम ड्रॉ कर चुके थे वो मैंने मेंशन कर ली यहाँ पे, लेफ्ट में 33 और इसके राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 42, तो मैंने 42 इंसर्ट किया, ठीक। अब 42 मैंने इंसर्ट किया, बट अब क्या हो रहा है, हमारा जो हीप की प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रही है। हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप मैक्स हीप कम डिजाइन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इसका पेरेंट नोड होगा ये ऑलवेज क्या रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, 42 ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, स्वैप कर दूंगी, 35 एंड 42 के बीच में मैं क्या परफॉर्म करूंगी, स्वैपिंग, और इसी स्वैपिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हीपीफाई। तो इसको मैं हीपीफाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे इन फोर्थ स्टेप 42 कहाँ आ गया, इन द प्लेस ऑफ रूट नोड, रूट नोड हमारा 42 हो गया है, इन लेफ्ट साइड 33 एंड द राइट साइड ऑफ द 42 इज 35 नीचे आ गया स्वैप होके। आप चाहे तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेप सेम स्टेप्स में भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक एरो का बस वो कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 42 इंसर्ट हो चुका है, हमें 10 इंसर्ट करना है, फिर से एज इट इज कॉपी कर लीजिए जितनी ट्री आप ड्रॉ कर चुके हैं, 42 इन लेफ्ट साइड 33 राइट हैंड साइड 35 ठीक। अब आपको इंसर्ट करना है 10, तो 10 कहाँ आएगा, इन द लेफ्ट साइड ऑफ 33,
यहाँ पे हमें चेक नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमें करनी है, ठीक है। हमें यहाँ बैलेंस फैक्टर नहीं निकालना है एबीएल ट्री के जैसे, यहाँ पे सिर्फ हमें लेफ्ट टू राइट अपनी सिंपल ट्री फिल करनी है। और अगर मैक्स सीफ है और हमारा पेरेंट नोड क्या हो रहा है स्मॉलर हो रहा है तो हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट किया, 10 क्या है लेस देन है, नो प्रॉब्लम, 10 इंसर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप, सिक्स्थ स्टेप में ये 10 मैं इंसर्ट कर चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 10 यहाँ इंसर्ट हो गया। अब हमें फिर से एज इट इज मैं अपनी ट्री कॉपी कर लेती हूँ, 42 किया लेफ्ट हैंड साइड 33 एंड द राइट हैंड साइड 35 एंड द लेफ्ट हैंड साइड 10 एज इट इज कॉपी किया है मैंने स्ट्री को अभी तक। और अब मुझे इंसर्ट करना है 14, तो 14 मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया और यहाँ मैं 14 इंसर्ट कर दूंगी। सिंपल सिंपल लेफ्ट टू राइट मैं ट्री को फिल कर रही हूँ, ठीक, तो ये 14 भी इंसर्ट हो गया, कोई चेंजेस नहीं है स्ट्री में। अब इन सेवेंथ स्टेप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेवेंथ, मुझे क्या इंसर्ट करना है 19, तो 19 इंसर्ट करने के लिए पहले एज इट इज मैं अपनी प्रीवियस ट्री को कॉपी करूंगी, तो प्रीवियस ट्री 42 इज द रूट नोड in left hand side 33, right hand side 35, in left hand side 10, and right hand side is 14, and the 35 के left में क्या आएगा हमारा 19, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 35 के left में क्या insert कर दिया 19, यहाँ पर भी जो हमारा 19 आया ये क्या है less element है 35 से, no problem, तुम्हारा seventh step भी complete हो गया है, ठीक है। ये हमारा सेवेंथ स्टेप का ऐसे एरो लगा लीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये हमारे न्यू स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब इन नेक्स्ट स्टेप एट्थ, एट्थ में हमें क्या इंसर्ट करना है 27, तो 27 को इंसर्ट करने के लिए पहले जो हमारी प्रीवियस ट्री है उसको ड्रॉ कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 33, राइट हैंड साइड 35, फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड 10, अगेन राइट हैंड साइड 14 और 35 के लेफ्ट हैंड साइड में 19 और अब हमें 27 इंसर्ट करना है, तो 27 को यहाँ क्रॉस करिए और यहाँ 35 के राइट हैंड साइड में 27 इंसर्ट कर दीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 27 क्या है लेस देन 35 है, तो हमें यहाँ पर भी इसको हीपीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे इधर साइड में ट्री रिमूव करती हूँ, दोबारा से हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे जो कि हमारा क्या है 44, ठीक है, ये रफ करे दे रही हूँ। फिर से हम ट्री ड्रॉ करते हैं इन नाइन्थ स्टेप 42, as it is copy कर दीजिए previous tree को 42, left hand side 33, right hand side 35, and again left hand side 10, left to right fill कर रहे हैं, root node left to right, फिर next level left to right, तो 33 के right hand side में 14, 35 के left hand side में 19, 35 के राइट हैंड साइड में 27। अब फिर से हम कहां से स्टार्ट करेंगे फिल करना, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो मैं क्या इंसर्ट करना है 44, तो 44 मैंने वहां पर क्रॉस कर दिया और यहां पर मैं इंसर्ट करूंगी 10 के लेफ्ट में 44। बट जब मैंने 44 इंसर्ट किया तो 44 क्या है ग्रेटर देन 10 है, तो इसको मैं पहले यहां स्वैप करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा सेम स्टेप में बता रही हूँ, आप कॉपीज में अलग अलग में करिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया 44 ऊपर आ गया और 10 एक्सटर्नल लोड में आ गया, देन यहाँ पे ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए फिर 33 से क्या है 44 ग्रेटर देन है, तो अगेन हमें फिर से हिटिफाई करना पड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 33, ध्यान से देखिए 33 को और 44 को मैं स्वैप कर रही हूँ, हिपीफाई कर रही हूँ, 33 का आ जाएगा इन प्लेस ऑफ 44 एंड 44 कहाँ पहुंच जाएगा इन प्लेस ऑफ 33, तो यहाँ आ गया 44 और यहाँ आ गया 33। अगेन अभी भी क्या है पेरेंट नोड क्या है लेस देन हो रहा है और ये मैक्स सीप है और पेरेंट नोड यहाँ पे क्या हो रहा है लेस देन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फिर से इनको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मैं फिर से स्वैपिंग हटा देती हूँ। फिर से मैंने ये नाइन्थ स्टेप में मैंने
थ्री टाइम्स स्वैपिंग परफॉर्म किए, नाइन्थ स्टेप में थ्री टाइम्स हमने अपनी ट्री में स्वैपिंग कब किया, तो ये हमारा 44 क्या बन गया है, रूट नोड ऑफ द ट्री, एंड 42 इसका नेक्स्ट लेवल में आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या इंसर्ट करना है, ये हो गया, अब इसी में हमें क्या इंसर्ट करना है, इसी ट्री में 26, तो 26 कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो ऑलरेडी 33 है, मैं 3 को लेफ्ट टू राइट फिल करती हूँ, तो 33 के राइट हैंड साइड में प्लेस है, वहां पे क्या आ जाएगा 26, और 26 क्या है, लेस देन है, और 33 ग्रेटर देन है, मैक्स हीप है, तो पेरेंट की वैल्यू ज्यादा रहनी चाहिए, तो ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा 10th स्टेप हो गया, 11th स्टेप में मैं ये मैंने 26 भी इंसर्ट कर दिया है इन दी राइट हैंड साइड ऑफ 33। अब मुझे लास्ट अपना नोड इंसर्ट करना है 31, तो 31 कहां आएगा, ये 14 के लेफ्ट में। अब जब मैंने ये 31 इंसर्ट किया तो यहां पे फिर क्या होगा, परफॉर्म स्वैपिंग परफॉर्म होगी 31 और 14 के बीच में, तो ये 14 कहां आ जाएगा इन द लोअर लेवल, 31 कहां आ जाएगा ये, तो ये मेरा फाइनल जो ट्री होगा वो ऐसे बना होगा। बीच में आप एक बार और चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नोड हमारा रह गया हो या स्वैपिंग ना हो पाई हो, जो हमारे ट्री के मैक्सिमम नोड होंगे वो आप देख लीजिए उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी ट्री डिजाइन हुई होगी, सबसे जो हाईएस्ट नोड होगा इस ट्री सीरीज में वो कौन सा होगा, 44। तो ये मैंने बनाया है यहाँ पे मैक्स ही, ऐसे ही जब हम मिन ही बनाएंगे तो हम मिनिमम वैल्यू एलिमेंट को रूट नोड पे लेके जाएंगे। क्लियर है, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन आस्क।